190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ्त नाज़रीन आज सामने आई है, क्योंकि ऑलरेडी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई थी और आज नकुल भी फराम की गई है। इसके साथ साथ आज जो सहाफ़ी सेंट्रल जेल अडयाला में गए थे, जिन्होंने इस समात की कवरेज की, इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू में भी कुछ बड़े इंकशाफात किए हैं सहाफ़ियों के साथ, और सानिया 9 मई के हवाले से इमरान खान ने एक बड़ा इंकशाफ किया, और इसके साथ साथ द इकॉनमिस्ट में जो कॉलम शाया हुआ है उस हवाले से भी इमरान खान ने सहाफ़ियों को कुछ चीज़ों से आगाह किया, जबकि इमरान खान ने एक बड़ा दावा कर दिया कि आइंदा हफ्ते उनकी एक नई वीडियो सामने आ रही है, नई वीडियो अपलोड की जाएगी। उस वीडियो में क्या है और आज की समात का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा वॉच टाइम यासिर अवान से। यासिर, बताइएगा कितनी देर तक ये समात चलती रही और आज इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ियों के सामने कौन से बड़े इंकशाफात किए हैं? जी बिल्कुल, आज सेंट्रल जेल अडयाला में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात हुई। इमरान खान को नकुल फराहम कर दी गई, जबकि इनकी अहलिया बुशरा बीबी बीमारी के बायस पेश न हो सकी। आज इमरान खान ने कमरा अदालत में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बड़ा इंकशाफ किया। इमरान खान ने कहा 9 मई को हमारे खिलाफ साजिश हुई, कोर कमांडर हाउस लाहौर, GHQ और हाई कोर्ट की डायरी ब्रांच जहाँ से मुझे गिरफ्तार किया गया, इन जगहों की फुटेज किसने चोरी की? इमरान खान ने कहा जिन्होंने इन 3 जगहों की फुटेज चोरी की 9 मई उन्होंने कराया है। सहाफी के सवाल पर इमरान खान ने कहा द इकोनॉमिस्ट में छपने वाला आर्टिकल इसको मैं ओन करता हूं, मेरी गाइडलाइंस के नतीजे में आर्टिकल लिखा और छापा गया। इनका मजीद कहना था कि आइंदा हफ्ते मेरी एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर आ जाएगी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। इमरान खान ने कहा इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए, इलेक्शन मुल्की मईशत और सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई जरूरी है, हालांकि हमारे लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल कर दिया गया है, इसके बावजूद इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया यासिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि आज बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलियाँ हैं कमरा अदालत में पेश ना हो सकी, बीमारी के बायस उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई जो मंजूर की गई, और कल मजीद इस केस की समाअत होगी। कल भी इंशाल्लाह जो भी खबर आई वो सबसे पहले नाज़रीन तक पहुँचाएंगे।